हाफिज तनवीर जी, अच्छा दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज, तेरी खैर हो मौला, तेरी जिंदगी करे। जी अखीर है जी, दरूद पढ़ो जी मिल के बुलंद आवाज। हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, ज़रूर आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए, इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। आली मरतबत इज़्ज़त मुआब बिरादर अज़ीज़ जनाब अल्लामा मुंतज़िर साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों पर्देदारों, तकसीस से मेरे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाने वाले मोतबर मेहमान पत्तोकी से, लाहौर से, उकाड़े से, इवन जम्मू कश्मीर से कुछ हज़ादार तशरीफ़ लाए हुए हैं, मालकिन सब की हाज़रियाँ कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह, मेरे अल्लाह इस जिक्र की इज़्ज़त का वास्ता मेरे वतन की खैर फरमाए, मेरे अल्लाह मुसलमानों को करोना वायरस के अजाब से महफूज फरमा, मेरे अल्लाह जिक्र मज़लूम का वास्ता जितने आबाब पढ़ गए जिन्हें पढ़ना है मुझ समेत सबकी नौकरी कबूल फरमा, ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। मेरे मालिक के जिक्र की इज़्ज़त का सदका पहली शख्सियत से लेके आखिरी मातमी तक सब आमीन कहेंगे, हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़। इजाज़त है, माफ़ी चाहता हूँ, ज़िंदगी में आपका कोई हुक्म नहीं टाला, सफ़र बहुत ज़्यादा है और मैं ख़ुद तारुफ़ करवा के जा रहा हूँ। मेरे बड़े लाडले अज़ीज़ जनाब कौसैन अब्बास आसफ़ी किबला काबा सरकार खादिम आसफ़ी मरहूम आलल्लाह मकामहु नव्वर अल्लाह मरकदहु के पोते हैं, और ये ज़ाकरी का एक मुस्तनद लहजा है। जिन लोगों ने खादिम आसफ़ी साहब को नहीं सुना वो तो शायद जिस जायके से महरूम है, जिन लोगों ने सुना हुआ है मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि वो क्या थे, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, आपके मुकद्दर की बात है। मुझे भी आप सुनते रहते हैं, इस अज़ीज़ को इस नज़र से सुनिएगा कि कसीदे में आपको एक अजीब खूबसूरत लफ्ज़ों का संगम दिखाई देगा। मुझे आपसे 15-20 मिनट दरकार है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह, पीते रहिए, सलामत रहिए, सदा आबाद रहें। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है, आप जिए आप सलामत रहें। अगर मेरी गुजारिश बेटा समझ आती रहे, थोड़ा थोड़ा बोलते हाथ खोल दे, कुछ नहीं होता, मैं हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है, लाखों बद किरदार हार गए 72 साहेब किरदार जीत गए। अजमल पीर जीवो जीवो गाजी इस्तान, इकबाल जीओ मेरा पुत्र, करोड़ वारी बिस्मिल्ला, तुहाड़ी बिस्मिल्ला नू बिस्मिल्ला, हाँ भाई मौला तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाबी दे मेरा बेटा, इन्हें जियो सदा सुखी रहो। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ देने का बहुत शुक्रिया, मौला आपकी ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। बेटा बात समझ आ जाए ना तो फिर ज़रूर बोला करो, एक बारी जाकरी नू तरले चू कट के तो वेखो भाई, ये हथ मारे बगैर मिन्नत किए बगैर जे एक बारी बोलो तो सही, वेखो ये स्वाद की है। लाखों बद किरदार हार गए 72 साहेब किरदार जीत गए, पत्थर हार गए बदन जीत गए। शाबाश, छाला हाथ उच्चा रवे, क्या बात है, एदा ही ना है भवाना, गली वाले बोलो हाय दरी, आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने, हजारों साल जियो मेरे बच्चों।
बीबी आपको इज्जत दे, ये चेहरे सलामत रहे, ये सारे के सारे हमने अपने हिस्से का पढ़ लिया बेटा, 39 अशरे में पढ़ चुका हूँ, अब आपको ही पढ़ना। ये तो कौम की मेहरबानी है, वो अब भी हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें इज्जत दे। पत्थर हार गए, आप जिए, मौला आपको इज्जत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हर मातमी सलामत रहे। भाई जी परे बह गए उतों बोलिया जी, जरूर पत्थर हार गए बदन जीत गए। जाकिर समझो, नौकर समझो, मेहमान समझो, इस्लामाबाद ते आज़ाद कश्मीर ते लाहौर तो लैके भुआने तक दे मजमे च एक बंदा बोले मैं तां वी राज़ी हाँ, खंजर हार गए रगे जीत गए। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ ऊँचे रहे। जिसे अली कहना आता है जहाँ खड़ा है वहीं से बोले हायदरी। बादशाह हुसैन के कमाल अज़ादार जाकिर जनाब मलिक अली अब्बास अलवी साहब बीमार हैं, ज़रूर आमीन कहोगे, मालिक उन्हें शिफाए को लिए। पत्थर हार गए बदन जीत गए, खंजर हार गए तू जीवें राजी तन इस तरह देन, कायनात दी मालकन तेरे ते राजी होवन, जरा तेरी खुशामद करे उन अगला सा ही ना आवे। एडे औखे जुमले ते पुत्रा बोले हैं ते एक जुमला होर बर्दाश्त करी फिर, तलवारें हार गईं सरापे जीत गए। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरी शहजादी आप पे राजी हूँ, कायनात की मालकिन आप पे राजी हूँ, जिक्र करने की सलाहियत सलामत रहे जी, आप जिए आप सलामत रहें, जीवो पे मेरे बच्चे जुग जुग जीवो। तलवारें हार गईं सरापे। सर जी करबला गामे शाह, आप तो खैर उस शहर के नहीं पूरे दुनिया पर राज करते हैं, करबला गामे शाह का पिंडाल और आपका भाई पढ़ रहा था, और शायद ही को बंदा हो जो उर्दू सुन लेता हो, और जुमले पे उसने मुझे कीमत ना दी हो। मैंने कहा गर्दनों पे लदे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए। हाय हाय हाय, यदि अंदर अली ओदा हाथ उचा हाय दरी। तुसी जीवो, जड़ी दुआ मेरे जिम्मे लाई जी हाफिज साहब वास्ते, मालिक को दुआ कबूल फरमाव इस लम्हे का सदका जी। सलाम है तुहानू, अल्लाह इस तरह देने गर्दनों पे मेहरबानी। एडे औखे जुमले की दात का शुक्रिया। गर्दनों पे लदे हुए नहीं भी बना, तो जो मेरी तरफ रखो उधर नहीं, गर्दनों पे लदे हुए सर हार गए, कटे हुए सर। वाह वाह, मैं याद करके पढ़े ही नहीं, कापी ते आँखें खोले ही ना ते सारी रात पढ़ता रहा। कुरान की कसम है, तू बोलता तो मैं बोलता वहाँ, किताबा मेरे सामने खुल गई ने, तुसा एडी सोनी वाह वाह की थी। लै मैं एक जुमला हो रखू हाँ, खून से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी को शिफा करने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शाला ये हाथ ऊँचे रान, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे। जिसके अंदर है अली वो बोले हायदरी। बीबी इज्जत दें, मेरी शहजादी इज्जत दें, कायनात की मालकिन आपको इज्जत दें, खुदा करे ये जुबानें सलामत रहें। 12 फरवरी टाली इकबाल के पास, हाँ जिए तो इंशाल्लाह, तब तक इस उम्र बेवफा ने वक्त दिया। हाँ वक्त मिला जी, 19 मुहर्रम पढ़ के गाजी इस दिन उस बादशाह हुसन की आमद पे शक नहीं। लोग कहते हैं जी तुम बार 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 दुआ मांगते हो 12वें बादशाह के लिए, मौला आ जाए मौला आ जाए मौला आ जाए मौला आ जाए, और ये भी साथ ही कहते हो कि जब अल्लाह चाहेगा वो तब आएंगे, फिर बार बार दुआ बार बार दुआ। बैठ जा बेटा बैठ जा, मेहरबानी कर बह जा, तू कुछ और देना है मैनू हैं, बार बार कहते हैं आ जा आ जा आ जा आ जा, ये बार बार दुआ क्यों मांगते हो। मैंने कहा तुम हमारा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे,
उस बादशाह हुस्न की आमद पे शक नहीं, इस उम्र बेवफा का भरोसा कर। शाबाश जड़े बार गली च खड़े हो इन्हों वली आखना दे हाथ चव्या हाय दरी सखी। मैं लाहौर से निकलूं मुंतजिर हसन इकबाल काजी उल्फत बेटा है मेरा उसके अजीजान, हर 5-7 मिनट बाद कोई ना कोई फोन आया जी किथे हो किथे हो किथे हो, सड़क ते खले इंतजार है, इमरान फोन आते रहे ये इंतजार है। और इसमें इस कैफियत में बड़ा कर्ब है, बड़ी थकन है, इंतज़ार थका देता है, इंतज़ार परेशान कर देता है, इंतज़ार से ना जहन जामद हो जाता है, अंदर एक कोफ्त पैदा या आ ही नहीं रहा, झुंझुलाट हो जाती है। लेकिन ये भी अजीब कर्म है, उसका यूं एतबार कायम है जैसे वो जीवकार कायम है, कितनी सदियां गुजर गईं लेकिन लज्जत इंतज़ार कायम है। कोई जो लज्जत इंतज़ार की दाद दे, है कोई जो लज्जत इंतज़ार की दाद दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी। जवानियां माणो तुहाडी खैर होवे, गर्दनों पे लदे हुए सर हार गए, उत्थे खड़ा मैं तुसा फरमाया उत्थे ही कटे हुए सर जीत गए, खून से जफा करने वाले हार गए। अब उतर इन जेब च पा लै, तेरी बड़ी मेहरबानी, ये मैं वड्डा दिसना। जदों का खिडौना आया मजलसा का स्वाद ही मुक गया। मेरा बेटा मजलिस को हाजिर समझ के मजलिस में नौकर बन के आया करो, जैसे कोई नौकर बादशाह की कचहरी में आया हुआ यूं बैठा करो। ये खिलौना तुम्हारा अपना नहीं, थोड़ी देर बाद इससे खेल लेना, चलो खेलो। याली याली लदे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए। खून से तेरी इतनी उम्र नहीं मेरा बच्चा जितनी मैंने किताबों के ढेर पढ़ ली हैं, तुझे क्या बताऊँ कितना दुख हुआ मुझे तेरी तवज्जो न होने का। खून से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी से वफा करने वाले, मिट्टी को शिफा करने वाले जीत गए। चला हो सकता है शायद तुझे समझ आ जाए तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, कुरान हिफ्स करके याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नेजे की नोक पे पढ़ने वाले। मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे बच्चों की खैर हो, मेरे बच्चों की गुलफाम बोलो मेरा बेटा, मेरे बच्चों की खैर हो, कायनात की मालकिन इज्जत दे मेरे बच्चों को। हाँ बेटा जिक्र नसीब हो इदरीस जीवो, हाथ उच्चे 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 हाय जरी तुहाडिया जिंदगी होवन। कुरान हिफ्स करके, कुरान हिफ्स करके आगे नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, अभी मैं कहूँगा नहीं और आ जाएगा। हाँ कुरान हिफ्स करके याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के पढ़ने वाले हार गए, शाबाश नेजे की नोक पे पढ़ने वाला। दुनिया के 65-66 मुल्कों में मैं बादशाह हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ, मैं कुछ 2-2.5 लाख बंदे में खड़े होकर हैदराबाद दक्कन पढ़ाया हूँ। मेरे मजमे में 500-700 शौरा हुआ करते थे, 500-700 उलमा हुआ करते थे, पता नहीं क्यों मुंतजर जी आज तेरे शहर के लोगों ने इस्तकबाल इतना बड़ा किया है, एक एक लफ्ज़ की कीमत दी है। मेरा दिल चाह रहा है एक जुमला में और कह दूँ, ऐसे मेरी तबीयत बनी हुई है, ये जो मैं मुँह से फेंक रहा हूँ ना इसे अरबी में लफ्ज़ कहते हैं। वो जो मुँह से फेंका जाता है ना, ये जो मेरे मुंह से बाहर निकल रहा है इसको अरेबिक में लफ्ज़ बोलते हैं। ये जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलता है ना मेरे मुंह के अंदर होता नहीं, ये इधर इधर होता है, इधर इधर एक ताकत है जिसे एक पंप बोलते हैं, जिसे हार्ट बोलते हैं, जिसे दिल बोलते हैं, वो खून को लफ्ज़ बना के पंप करके आगे धकेलता है, वो गुर्दे के हवाले करते हैं,
गुर्दा फेफड़े के सपुर्द करता है, फेफड़ा दहन को भेज देता है, मुंह से ज़ुबान अरसाल कर लेती है, वहाँ से फिर लफ्ज़ को बाहर फेंका जाता है, यहाँ से चलते हैं दिल गुर्दा फेफड़ा, ये सारी ताकतें मिलके इस कायनात तक लफ्ज़ों को पहुँचाती हैं, ये कायनात उसे बाहर फेंकती है। अब किसको समझ आए हुसैन क्या है? दिल गुर्दा फेफड़ा ज़मीन पे पड़ा है, वो बोलता जा रहा है। यार गाजी का वास्ते ही परे वाले बंदे हो यार, थोड़े इलाके कतल के मुकदमे यार बैठक च मुक जाते हैं, मुको मेरे नाल, मैं की गल पिया करदा। सलाम इन्हां बुजुर्गों नूं यार, नस्लां जीवन इन्हां दीआं। अल्लाह अकबर, आह जियो, आह हैदरी। दिल गुर्दा फेफड़ा ज़मीन पे है, जो अज्ज़ा ज़रूरी हैं लफ्ज़ की अदायगी के लिए वो ज़मीन पे पड़े हैं और वो बोलता चला जा रहा है, दुश्मन के घर तक बोलता गया है और बोल बोल के इजहार कर रहा है, ज़िंदगी मेरे ताबे तभी मैं ज़िंदा हूँ, कज़ा भी है मेरी बांधी जब ही मैं ज़िंदा हूँ। हुसैन नेजे पे चढ़कर पुकारता ही रहा, यजीदियत को बता दो अभी मैं। अल्लाह इज्जत दे, गाजी इज्जत दे, ये चेहरे सलामत रहें, ये हाथ ऊंचे रहें, ये हाथ ऊंचे रहें। बस हुसैन मियां, आठ दस शेर हो आपके लिए कर रहे, राजी रहिएगा, वादा पूरा हो गया। आपको मेरे सफ़र का अंदाज़ा है, मसाहब मेरी से का कौसैन पढ़ देगा, मेरा एक मरकबत पढ़ने पर दिल है, अगर आप इजाज़त दे। हाँ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कायनात की मालकत तुम्हें इज्जत दे, जाओ ऐलान कर दो, शौकत कह रहा है गुलाम ज़ादे हार गए, इमाम ज़ादे जीत गए। अरे है गुलाम ज़ादे हार गए, चलो जब बुजुर्ग हज आया है याद करके तो मैं पढ़े ही नहीं सारी ज़िंदगी, कुरान की कसम में किताब पढ़िए, याद नहीं किया, रट्टा नहीं लाया, जाकरी दी तौहीन समझिए, रट्टा ला के पढ़नू। जे इंज बोल पे हो बादशाह तो फिर एक जुमला हो रही बर्दाश्त कर लो, तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए, फिजा को माँ कहने वाला जीत गए। वो जो सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं उनसे मुझे दुआ चाहिए, वो जो पढ़े लिखे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो गली में बच्चे हो तुम मजलिसों में बोलते नहीं हो, बोलते हो तो बोलो डल के। तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए, फिजा को माँ कहने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हजारों साल जियो। 27 शेर हैं, मैं 7 और 2 9 पढ़ रहा हूँ, फिर जिए तो अगली 19 मुहर्रम तक ज़िंदगी ने वफा की, नौकरी करेंगे। कभी मोहम्मद की मीम लिखना, कभी अली की भी ऐन पढ़ना। जीवें पिया, जीवें पिया, नौकरियां कबूल होने, हाथ ऊँचे रहने, शाबाश। कभी मोहम्मद की मीम लिखना, सलाम ही ने मेरे बीबी इस तरह देने। कभी मोहम्मद की मीम लिखना, कभी अली की भी ऐन पढ़ना, कभी रिसालत का नाज लिखना, कभी शहे मशरक ऐन पढ़ना। अच्छा भाई, ये सारे शायर घर का पुत्र है, किबला बुजुर्ग आसवी काशिफ आसवी साहब तो घन के खादम आसवी साहब तई तेरे तई एक लंबा सफर है तुम्हारे घर शेर का, मैं काफी दी एक वन तक सुनाऊँ, वो मजा किने हुंदा। ऐन पढ़ना, मशरक ऐन पढ़ना, याद रखना दुनिया की अकेली ज़ुबान है अरेबिक जिसमें एक हो तो वाहिद, दो हो तो तस्निया, तीन या उससे ज़्यादा हो तो जमा, वरना पूरी दुनिया में एक हो तो वाहिद, दो हो 2 करोड़ हो जमा, कुर्सी कुर्सियाँ, बंदा बंदे, बस मुक गई गल।
عربی میں ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور جب عربی میں ایک سے دو کرتے ہیں پھر اس کی دو حالتیں ہیں، ایک رفعی ایک نسبی اور جری۔ ایک کو الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، ایک میں یہ نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ سوری میں نے آپ کو بوری کیا ہے، لفظ ہے دار، لفظ ہے دار، یہ نون کا اضافہ ہو گیا دارین۔ لفظ ہے کون، یہ نون کا اضافہ ہو گیا کونین۔ لفظ ہے سقل، یہ نون کا اضافہ ہو گیا سقلین۔ لفظ ہے نال، یہ نون کا اضافہ ہو گیا نالین۔ لفظ ہے مشرق، یہ نون کا اضافہ ہو گیا مشرقین۔ لفظ ہے مغرب، یہ نون کا اضافہ ہوا دو ہو گئے مغربین۔ لفظ ہے حسن، لفظ ہے حسن، یہ نون کا اضافہ ہو گیا حسن۔ ٹھیک ہے، بس یہ تقسیم سنو۔ ایک شعر میں پڑھ گیا، آٹھ میں اور پڑھ رہا ہوں امبر کوسین کے حوالے۔ اللہ انہیں اور عزتیں دے، یہ جئیں، بچے ہزار گنا بہتر پڑھتے ہیں۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا۔ دل مانے تو تجھے علی کی ولایت کی قسم بولنا ہے، نہیں تو میں راضی جا رہا ہوں۔ بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا، سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین۔ ہائے 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 ہائے، تیرے پتر جی من یار جی، یہ نہ بزرگاں دی خیر ہوئے یار، چٹیاں داڑیاں دے ہاتھ اچھے، سلام ہے نہ بزرگاں، بی بی آپ کو عزت دے، نسل سلامت رہے۔ اور دروازے والو جیو، کائنات کی مالکن راضی ہوگی۔ اللہ اکبر، عین پڑھنا، مشرقین پڑھنا، مغربین پڑھنا، سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا، پڑھنا سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا۔ جگنے جانا ہوے گجرالے جامی دیتا ہوں، یہ شعر سنا دیں، وہ تین مل پوے تو انہوں یہ شعر سنا دیں، یاد کر لیں، انہوں آخی میں تیرے واسطے شعر پڑھیا نے، علی محمد پڑھا کرے تھے، علی محمد پڑھا کرے تھے، ملا ہے عباس کو یہ ورثہ، سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شالہ ہاتھ اچھے رمنا، اے معیار قائم رہے نا یار، گل سن او گلی والو، جنہیں بولنا تو بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ عین پڑھنا، مشرقین پڑھنا، سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا، علی محمد پڑھا کرے تھے، ملا ہے عباس کو یہ ورثہ، سوائے غازی کے کس کا حق ہے، سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا۔ تو میری منتظر گل یاد رکھی، میں تیرے کو میرے سے آج دی قاضی دی کھاتے جی پڑھ چھوڑی، اس میں کوئی اتنا آنکھیں نہ اتنی واری، نہیں منتظر کو جانا ہے، نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا۔ سر اٹھا تجھے شعر سناؤں، سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا، زمین پہ رشتوں کی حد سے کہہ دو، ہر ایک سال ولد سے کہہ دو، حوصلہ بڑھے تو بولی، حوصلہ نہ بڑھے دانت سنبھال رکھیں، میں کھلا داں، زمین پہ رشتوں کی حد سے کہہ دو، ہر ایک سال ولد سے کہہ دو، جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط انہیں والدین پڑھنا۔ اللہ اکبر، او جیو بھونا، او سلام ہے جی، او لاہور والو، او اسلام آباد والو، او آزاد کشمیر والو، او بھونے والو، او جیو، ہاتھ اچھے، ہائے دری، زمین پہ رشتوں کی حد سے کہہ دو، ہر ایک سال ولد سے کہہ دو، جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط انہیں والدین پڑھنا، جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط انہیں والدین پڑھنا۔ کبھی بیٹا علی لکھا دیکھا ہے؟ این لام
ये और गाजी गैन अलिफ जे ये अली एन से गाजी गैन से कुरान की कसम है मोए बंदे जेड़ा अरमान है उस बंदे जेड़ा चुप कर गया। मैं कह रहा हूँ अली और गाजी का नाम लेकर जरूर लेनी है जान उनकी, यही बहुत है कि शाम वालों के सामने ऐन गैन पढ़ ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ गाजी इस्ता देने गाजी इस्ता देने अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे सारे 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 आए दरी यही बहुत है कि शाम वालों के सामने ऐन गैन पढ़ना। आखिरी शेर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी राजी रहना मुंतजर। अच्छा मगरब ऐन पढ़ना मशरक ऐन पढ़ना ऐन गैन पढ़ना ऐन पढ़ना नैन पढ़ना वालदैन पढ़ना मुझे देख मुझे एक एक सेकंड और देख काफिया मैं नहीं पढ़ूंगा। भवाने में वो बंदा मैशर की फजर तक मेरा मोहसिन होगा मैं चुप कर जाऊंगा और जो काफिया पढ़ेगा और जो न पढ़ सके वो सोचे वो करने क्या आया है। मैं कह रहा हूँ मैं हुस्न के सारे जावियों को मैं हुस्न के इकबाल तवज्जो मैं हुस्न के सारे जावियों को हुसैन में ढूंढता हूँ शौकत मेरा अकीदा सा बन गया है हसीन लिखना मेरा अकीदा सा बन गया है हाय दरी मेरा अकीदा सा बन गया है। गिन के एक एक मिनट और मुंतजर की ख्वाहिश पे मैं अपने हिस्से का मसाया फिर कह रहा हूँ कौसैन के ज़िम्मे लगा के जा रहा हूँ वो पढ़ेगा एक सेकंड एक डेढ़ सेकंड की बात है जब किसी घर में कोई मर जाए जब किसी घर में कोई मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है। सैयद माफ़ करे जब किसी घर में कोई मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है जाने कितनी गरीब है जहरा पुरसा लेने भी चल गया। कायनात की मालकिन आपको इज्जत है जी जी।